वाहिगुरु जी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो न जाने मेरा कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंप दे क्या लगे मेरा प्रभु सब कुछ तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं कुछ तेरा जी किश नहीं मैं किश नहीं सब सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं प्रभु सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं प्रभु सब किश तेरा जी सब सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब सब कुछ तेरा जी मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा मैं कुछ नहीं सब कुछ मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरा 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 सब कुछ तेरा मैं किश नहीं 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 सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा जी नहीं मैं किश नहीं सब कुछ तेरा जी नहीं मैं किश नहीं सब सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं सब सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं सब सब किश तेरा जी मैं किश नहीं मैं किश नहीं कबीर मेरा मुझ में किश नहीं कुछ है सो तेरा तुझको सौंप के क्या लगे मेरा साहिब श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दी पावन पवित्र हाजर हजूरी विच सजी हुई सात संगत माई भाई वीर बजुर्ग दास दी जत्थे दी हाजरी प्रवान करो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ध्यान धर के सिर चकाओ गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सानू तुहानू
सतगुर जी ने दयालु होके कृपालु होके मेहरबान होके ये सतसंगत दियाँ अमोलक घड़ियाँ बख्शिश कीतियाँ ने। समय की कदर करो, एकाग्रता बनाओ, क्योंकि मुल इस समय का कीमत वैल्यू उदों पैंदी है जदों मन शब्द विच विचार विच टिक जावे। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। इत्थे मुल पैना है, जिन्ना कोई एक घंटे विचों अद्धा घंटा बेध्यान हो के बैठा रहे तो बैलेंस जो बचिया जिन्ना क ध्यान लाया उन्ने का ही फल मिलता है। जिमें स्कूल विच बच्चा बैठा बेध्यान हो के समझ नहीं सकिया कि टीचर ने की पढ़ाया, इवें सत्संग बैठ के बेध्यान हो के तो फिर बगते का यह पता नहीं लगता कि उन्हें की बोलिया। बगता मैंने बोलण वाला दास ने यह बेनती की है कि बगता तो स्रोता तुसी उह स्रोते स्टेज पर कीर्तन कर रहे सी ज्ञानी हरिंदर सिंह जी जमुना नगर तो ने और दमदमी टकसाल तो ने सिख्या विद्या प्राप्त की आ। ते दास दा धार्मिक खेत्र विच बड़ा सख्त मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के साथ दे रहे ने। ते की चल रहा सी तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। आ जिहड़े आपां बैठे आ ना कीर्तन करन वाला ते सुनन वाला ये लाड लड़ाउणा हुंदा है, प्यार करना हुंदा है, गुरु नाल गल्लां करनियां हुंदियां, गुरु दी सिफत सलाह ये आनंद माणना हुंदा है। पर पहला अखर की है, मैं तेरे भरोसे ते इत्थे आया, तेरे भरोसे ते बैठा, तेरे भरोसे ते कीर्तन करदे आ, तेरे भरोसे ते दातिया कीर्तन सुनदे आ। तो साध संगत जदों ध्यानों बेध्यान हो जाए फिर की हो जाता है। इस करके सत्संग च बेनतियां करी दियां, तुसी बहुते टाइम नालों थोड़ा टाइम बह जाओ पर बैठो ध्यान ला के। विचार की है, वह विचार साढ़े ते किन्नी ढुकदी है, असी अंदरों वो विचार नू किन्ना क मन्निया। मन की तकड़ी ते सोचना ते विचारना ते ए समा जदों गुरु दे लेखे खाते बैंक विच जमा हो गया ना, कोना माण ताण होर किसे पासे दुनियावी तौर ते समें नू ला दिओ नहीं मिल सकता जिन्ना गुरु दिंदा। एक घड़ी का भी बहुत वड्डा फल है। इत्थों तक भी लिख दिता, कह दिता किनका एक जिस जीव सावै ताकी महिमा गनी है। मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द, दो भी नहीं लिखे। कीर्तन विच कई शब्द तो पढ़ दिते आ ते अजे तक भी चलो एक घंटा का आनंद माणांगे जिन्ना गुरु साहब कृपा करनगे। किन्ने शब्द हो जाणगे? बाणी ने कहता एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, उही ये काम कर जूगा बहुड़ जन्म ना आवा। ये बाणी है, ये बाणी है, ये शब्द है। तो साध संगत जिदा जिदा भी एडजस्ट हुंदी जगह ते बह जाओ। ऐतकी बॉबी जी ने को वखरा जिहा ही काम कर छड्डिया, गली जी सानू बिठा छड्डिया। ते कोई गल नहीं, जिहड़ी धरती नू भाग लगने हुंदे संगत दे चरणां दे उसे नू लगने आ। सतु श्री अकाल। बड़ा समा मेरा सारी जिंदगी तकरीबन गुरु कृपा नाल लंघ गई है, मैं हंडाया सब कुछ। असी अपना ही चंडीगढ़ बड़ा वड्डा दरबार बनाया, किन्ने साल बनाउंदे रहे ते जिस दिन उद्घाटन होया ते संगत कहे कि दरबार दे अंदर ही करो, मैं कहा संगत बहुत हो जानी बाहर ग्राउंड च करदे आ। ग्राउंड च कीता ते मीह आ गया ते मुड़ के फिर दीवान फिर कीर्तन दरबार च ही लग्या। इस तरह कई बार देखीदा है
बहाना भावे कोई बन जाए कि गल है, कारण भावे कोई बन जाए तो साध संगत कारण बनाने भी परमेश्वर ही वरतदा। साध संगत जी चलो जिथे जिथे जगह मिलती मैनू एकाग्रता चाहिए है, बाकी कोई गल नहीं होंगी। भांडे दो वरदे मीह दे विच रख दियो, एक मूधा रख दियो एक सीधा रख दियो, मीह तो दोवां दे बराबर पिया पर पानी तो सीधे भांडे चो मिलेगा, मूधे चो तो कुछ भी नहीं मिलना। जे बेध्यान बैठना तो मूधा भांडा है, मीह पै रहा गुरबाणी का कथा का विचार का, जे बेध्यान बैठना तो मूधा भांडा है, जे ध्यान नाल बैठना तो फिर सीधा भांडा है मन का, तो सीधे विच तो कोई ना कोई गल वस ही जाऊगी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो मूधे दे विच तो नहीं कोई गल वसदी, माफ करना। तो साध संगत ये ध्यान करना, अज भाई साहब भाई अमरप्रीत सिंह ने मैं पूछया तो दसिया कहदा समागम है, गुरु साहब का शुकराना, गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद शुकराना कि तुसी कुली गुली जुली तिना दे विच्चों कुली बख्शिश कीती आ, रहायश मकान कह लो घर कह लो। जे हुण इस गल ते विचार करिए घर की है, घर दो गिणे ने महाराज ने, शरीर नूं भी घर कहा, इहदे अंदर भी बड़ा परिवार वसदा। शरीर दे अंदर पंज तत् इहदे अंदर ने, साध संगत मिट्टी है, पानी है, हवा है, आकाश है, अग्नि है, वो भी अंदर है। फिर पंज इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया प्राण इंद्रिया मत बुद्ध है, बड़ा वड्डा परिवार इस शरीर के अंदर बैठा है। वो सारे रल के फुरने विचार बनाते ने, शरीर नूं भी चलाते ने, मन बैठा है, आत्मा बैठी है अंदर, ये भी घर है। जे किते इस घर च शब्द आ जाए, इस घर विच बाणी आ जाए, इस घर विच रब दा नाम आ जाए, ये घर परमात्मा नूं प्रवान हो जांदा ते परमात्मा इस घर दे विच आके फिर बह जांदा, आसन ला लैंदा। रह गया घर रहायश कुली कहिंदे जिहनूं कुली, साध संगत इस घर विच वी बाणी दा यह फैसला है, जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्तर सोने चुबारे, सोने चुबारे महल घर ओ चंगा लगता है जिथे परमेश्वर दा नाम जपिया जांदा है। बाणी कहिंदी है जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्तर सोने चुबारे, जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। बाणी दे अनुसार शरीर भी नगर है, बाणी अनुसार नगर घर नूं भी कहा है, पर ये बाणी दे नाल ही शरीर पवित्र है, ते बाणी दे नाल ही इटां दा बनिया घर पवित्र है, बाणी दे नाल ही सा धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है, से जंत पई हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखिया जाए। बाणी दी गल है ना, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। आ जिथे आपां प्रकाश करिया पहला कदी भी नहीं इत्थे मत्था टेकिया, हुण मत्थे ते मत्था टेकिया जा रहे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु। सुथान सुहावा नाल नाल धारना द्वारा पढ़ना भी है, पढ़ना ये हो जाता कि मूँह ना जपना जबान नाल जपना। जे आप सुनते हैं तो कला सरवण भगती का फल है, जे मूँह ना जपते हैं तो फिर सरवण के नाल सिमरन भगती का फल भी बन जाता है, दो फल बन जाते ने। तो साध संगत इस करके कहीदा कि मुख तो बोल के भी गुरु की सिफत करो, ता कि जिथे सुन का फल मिले उत्थे जपण का भी मिले। तो कई तो कला सुनते ही ने, तो कई साध संगत दोनों ही कर जाते ने गुरु की खुशी लैण वास्ते, फिर डबल फल हो जाता। इतों तक विद्वान कहिंदा कि जे कला सुनते ही हाँ तो एक घंटा सुनिया तो एक घंटा गुरु खाते, तो जे सुनिया भी है तो मूँह नाल फिर एक दे दो घंटे बन गए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। डबल डबल फल हो गया ना,
तो इस तरह करके साध संगत जपना भी बड़ा जरूरी है। ते जपन दे विच आ देख लो जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, ए आपां टेक लैके थोड़ा जिहा समां हाजरी भरनी है। सो थान सुहावा जी जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, थान सुहावा जी 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 ते मेरा सतगुरु बैठा जाए, थान सुहावा जी मेरा सतगुरु बैठा जाए, थान सुहावा जी मेरा सतगुरु बैठा जाए, थान सुहावा जी मेरा सतगुरु बैठा जाए, सतगुरु बैठा जाए, सतगुरु बैठा जाए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, 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 मेरा सतगुरु बैठा जाए, थान सुहावा जी जिसे मेरा सतगुरु बैठा जाए, जिथे बाबा पैर करे बाबा, जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा, जिथे बाबा पैर करे, पैर तरे जिसे बाबा पैर तरे, पूजा आसन सापन सोआ बाबा पैर तरे, जिसे बाबा पैर तरे, पूजा आसन सापन सोआ बाबा पैर तरे, बोल के बाबा पैर तरे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा। देखो जे शब्द अज इत्थे प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते उत्थे सिर झुकने शुरू हो गए, ते जे शब्द हिरदे च बस जे ते हिरदा भी पूजन योग हो जांदा है। जे शब्द हिरदे च अंदर शरीर दे अंदर वासा कर जाए ते उन्हां शरीरां दा भी भाई साहब करके, ज्ञानी जी करके, बाबा जी करके सत्कार होना शुरू हो जाता है। ये शब्द दा सत्कार है, ये बाणी दा सत्कार है। हुण असीं घर बनाउने आ कुल्ली गुल्ली जुल्ली, जे मैं घर ते बेनती करां ते घर कीड़ी भी बनाउंदी आ, घर पशु भी भालदा है, बैठन नूं जगह कुत्ता भी लभदा है, हर जीव जंतु घर जरूर बनाउंदा, टिकाणा जरूर बनाउंदा, जरूर बनाउंदा। जे एक जून सप्प दी जून खुड बना नहीं सकदी
पर खुड तो बिना वह रहिंदा भी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर वह की करदा बनी बनाई ते कब्जा कर लैंदा है। पर घर की तो लोड़ पई ना हर एक नूं, हर जीव नूं घर दी। पंछी भी आलना बनाउंदा है। यह बहुत कि साधु संत महात्मा बंदगी वाले नूं भी टिकाणा चाहीदा है। ये साध संग शरीर ढकण की जिहड़ी गल है, कुली गुली जुली जुली क्या पहने हुए कपड़िया नूं, यह सिर्फ मनुख ते ही है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पशुआं नूं कपड़े ना पैंदे आ, ना कोई पाउंदा है, पंछियां नूं नहीं, होर बाकी जूनां सारियां देख लियो। पर दो चीज़ां दो सारियां ही जूनां नूं चाहीदियां, केड़ियां? गुली ते कुली। गुली मैंने रोटी रोजी खाना पीना, हर एक नूं कोई भी खाधे पीते तो बिना रोजी तो बिना चल नहीं सकदा। ते रहैश दी गल है, जिदां सारियां जूनां नूं रब ने जिदां दी जून है उदां दी रहैश दित्ती है। ते मैं बेनती करां, कीड़ी दा शरीर सब तो छोटा, हाथी दा शरीर धरती ते फिरन वालियां जूनां विच सब तो वड्डा। कीड़ी वाला घर हाथी नहीं वरतों च लिया सकदा, ते हाथी वाला घर कीड़ी नूं नहीं है। पर उन्हां दी अवस्था मुताबक जून मुताबक घर दोवां नूं उदां दा दित्ता गया है। इदां ही रोटी रोजी है, ख्याल करियो। हाथी का खाना कीड़ी नहीं खाती, कीड़ी का खाना हाथी नहीं खाता, पंछी नहीं खाता, माफ करियो। ये सारिया जूना देखियो, जिदा की जून है उदा दी रोटी ते रोजी आ। ये दोनों तो बिना कोई भी जून अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर सकती, उन्हें रहन नूं जगह भी चाहिए। पर 84 लाख जूना की रहायश दे विच्चों मैं 84 पूरा बोलता, उहदे च मनुख जून आ गई है। जे मैं कहिंदा एक घट 84 तो फिर मनुख की जून अलग हुंदी है। 84 लाख जून नूं घर दिता तो इक्को ही मनुख की जून है, जे चाहे तो इदां दा घर बना सकती है जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्तर सोयन चौबारे। बाकी कोई भी जून ऐदां दा घर नहीं बना सकती, ख्याल करियो। हुण गुरु ने कहा सिखा तैनू रहन रहैश दित्ती है, पर यह रहन रहैश जिहड़ी है ना, भाई बाहर जाके गल कर लै फोन ते, होर फोन ही सुनने सारा दिन। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। साध संगत जी मैं बेनती करां, गल कर दी आ जिस घर विच भावें सारे धर्मां नाल, मैं बेनती करदा कोई मनुख ऐसा नहीं कि जिस घर विच रब दा परमात्मा दा परमेश्वर दा कोई बोले राम राम, कोई खुदाए किसे ना किसे रूप विच जाप नहीं है, जाद नहीं है, नाम नहीं है। उस घर नूं बाणी ने कहता वह घर ही है नहीं, वह तो उजाड़ है। जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़े जियो। उजाड़ है, उजाड़ च की हुंदा देख लो, पानी की बरकत नहीं है, होर चीज़ां की बरकत नहीं है। उजाड़ का मतलब भाई घर विच हर वेले रौला ही, कलेश ही, झगड़ा ही, एक दूजे की बनती नहीं, कमाई की बरकत नहीं, उजाड़। पर दूजा कहता भी जिथे जपोगे बैठ के साध संगत उत्थे नाम है तो उत्थे सारियां बरकतां लैण नहीं जाना पैना, अपने आप चल के आ जांदी है। संत बाबा सुंदर सिंह खालसा भिंडरां वाले होए ते जीवन विच हंडा के गल कहिंदे ने संतां विच ते आम पढ़ के मेरे वर्गे जिहड़े ज्ञानी बने हुंदे ने कि किताब चों तां बड़ा पढ़िया पर कमाया कुछ नहीं है। संतां ने पढ़िया भी हुंदा ते नाल उहनूं उसे तरह कमाया भी हुंदा। वो देखो किड्डी वड्डी गल कहिंदे ने, कहिंदे भी अजकल कोठियां बड़िया बड़िया अंदर नौना धोना सब कुछ अंदर ही है,
कभी समा सी पिंडा नगरां दा हंडाया, अज भी बहुत पिंड नगर है गए ने, ते साध संगत बाहर दी किरिया ज्यादा सी ते घर दी किरिया घट सी, पर हुण तां सब कुछ अंदर ही है ना। कहिंदे 5-7 साल दी घट तो घट मन विच लै के गिणती, 5-7 साल बह जाओ कोठी दे विच ते खाना पीना हंडाउणा सब अंदर दे, दरवाजा गेट बाहर दा भी पक्का बंद कर दो ते अंदर दे दरवाजे भी बंद कर दो, एक फ्लैक्स बड़ा सारा लिख के गेट तो बाहर ला दो, उत्तों लिखे लिख दियो भी सुख दुख नहीं सुख, सुख साडे घर ना बड़े लिख के ला दो बाहर भई सुख साडे घर ना बड़े। कोई कह तो सकता नहीं, अही तो कहने दुख ना साडे घर बड़े, उदो पहला ही बैठा साडे घर। एदा जो फसलां बीजी दियां ना जिमीदारां नूं पता है, वह बड़ा साफ करदा खेत नूं, घा ना उगे घा ना उगे घा ना उगे, बीज उहने कणक दा पाया घा फिर विच उग पिया, तेरे कणक दे बीज तो पहला ही पिया सी। ये जिहड़े दुख दे बीज आपां बीजे आ उह पहला ही बीजे, नाम ते अज जपदे पए आ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह करके भी बंदा तो कहिंदा जी दुख ना साडे घर बड़े, वो महापुर कहिंदे ने तुसी लिख के बाहर ला दो भी सुख साडे घर ना बड़े, ते 5-7 साल करो अंदर बह के सिमरन, ते गेट बंद है, गेट दियां दर्जा राही कंधा टप के एक ना एक दिन दरवाजे दियां चीठा राही एक ना एक दिन सुख ना सारा कुछ टप के उत्थे पहुंच जाणगे जिथे सिमरन हो रहा है। सतु श्री अकाल। वो कहंदे तुसी कहो भी असी नहीं सुख लेना, सानू नहीं सुख चाहिदा, सानू दातिया तेरा प्रेम चाहिदा है, तेरा प्यार चाहिदा है। कहंदे याद रखियो रब ने धक्के ना सुख देना है, धक्के ना ना करन दे बावजूद इहनू मैं दूजे पासे अखां ना देखिया ते हड्डां ना हंडाया, करनी कमाई दे महात्मा साधु है, परे रहो भाई फतेह बुलाओ भाई मथा नहीं टेकना भाई। साध संगत जी धक्के नाल ओह बाणी शब्द सिमरन दे अगे सिर साडा चुक जांदा है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओह महापुरख कहिंदे ने, कहिंदे भी ये कह दो अरदास करा दो भी सुख साडे घर ना बड़े, पर जिथे जाप आ गया सिमरन आ गया उत्थे सुखां ने आउणा ही आउणा है। इस करके सुख बंदा किते होर लभदा ते सुख किते होर हुंदा है, ते सारी उम्र सुख नूं लभदा लभदा बंदा मर जांदा है। बाणी की कह रही है, शरण राम दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लेना, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लेना, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लेना, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लेना, सुनण वाले नूं बेनती है आवाज वधाओ घटाओ ना, बीबिया दे मैक दी आवाज घट गई है, जोड़ी वाले दी घटी है, सानू इस तरह परेशान ना करो, आप भी टिको तो सानू भी टिकन दिओ। की कह रहे ने गुरु साहिब, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लैणा, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते लैणा, शरण गुरां दी आ जा जे सुख सदा वास्ते सदा वास्ते लेना, सदा वास्ते लेना, सुख सदा वास्ते लेना, सुख सदा वास्ते लेना, जे तू चाहुंदा है सदा
सिमरन कर ले वाहे गुरु दा जे तू चाहुंदा है सदा सुख लेना सिमरन कर ले वाहे गुरु दा जे तू चाहुंदा है सदा सुख लेना सिमरन कर ले वाहे गुरु दा जे तू चाहुंदा है सदा सुख लेना सिमरन कर ले वाहे गुरु सिमरन कर ले वाहे गुरु दा प्यारे जी सिमरन कर ले वाहे गुरु दा सारे जो करो कृपा वाहगुरु 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 बोल के वाहगुरु 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 गुरु पव जल तर जाई दा वाहिगुरु दा सिमरन करके पव जल तर जाई दा प्यारे दा सिमरन करके पव जल तर जाई दा वाहिगुरु दा सिमरन करके पव जल तर जाई दा वाहिगुरु दा सिमरन करके पव
पव जल तर जाई। हुण गल कर दी है शरीर रूपी घर दे विच जदों रब दा नाम नहीं है, रब दा प्यार नहीं है, ते शरीर रूपी घर विच काम क्रोध लोह मोह हंकार वासनावां बुरियाईयां आके वड़ जांदियां ने। सुन्ने घर दी गल है ना, ते तुहाडे इत्थे कई घर सुन्ने देखी दे ने, बाहर वेहड़े विच भी बूटे उगे आ, घा उगे आ, बुरा हाल है, उजाड़ बणिया पिया, कीड़े मकौड़े जहरीले जानवर अंदर बैठे लगे ने, जाले लगे ने, पर वो क्यों है? सब कुछ घर सुनना है, घर विच कोई रहिंदा नहीं है। जदों घर वाले आ जाणगे, ताला खोलणगे, अंदर वड़णगे, उन्हां जानवरां ने ना उसे वेले ही भजना शुरू कर देना है। जदों बाणी बंदे दे अंदर जांदी है ते फिर अंदरों बुराइयां भजणियां शुरू हो जांदियां, वाशनामा भजनिया शुरू हो जांदियां। जेड़ा बंदा नित माड़े कर्म च रहिंदा सी ओह खुद बोलदा कि हुण मैं पाठ शुरू कीता ना, मेरा तां जी नहीं करदा जी, माड़े काम करन नूं जी नहीं करदा। हुण ओह अंदरों भज गया जहरीला, जिन्ना जहर सी वाशनामा दा, ईरखा दा, दुई दवैश दा। पर जे आपां बाणी पढ़दे नहीं, बाणी नाल जुड़दे नहीं, कोई हिंदू वीर है कोई राम राम जपदा नहीं, कोई मुसलमान वीर है कोई अल्लाह अल्लाह जपदा नहीं, माफ करियो, फिर अंदर ईरखा बढ़ जाती, दुई द्वेष बन जाती है। बाबे ने कहा घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन। हुण ये तो नहीं कि सारे घर साज खरीद लैणगे, सारे घर वाजा ढोलकी बजा लैणगे जां जोड़ी बजा लैणगे। घर घर कीर्तन दे बड़े विद्वान ने वखरे अर्थ किए आ, जिथे कीर्तन हो जाए शब्द का गल ही बहुत वड्डी आ, पर जे नहीं हो सकता कीर्त का दूजा अर्थ की है? घर विच रह के रब नू याद रखना, ओदियां दित्तियां दातां दा हर वेले ये भी ओदी कीर्ति है, बार बार उन्हू याद करना भी ओदी कीर्ति है। ये तां कर सकदे कि नहीं आपां? ये तो कर सकते हैं। दो रोटियां खाने वेले भी बाणी कहती याद कर, तू दाता दा तार तेरा दिता खावना, याद कर लिया कि नहीं? घर दे अंदर जे गुरमत दे शीशे विच्चों देखोगे सारिया चीजा दे उत्ते बाणी ढुकदी, पानी दा गलास पीना, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, दसो पानी कौन बुला रहा? रोटी प्रसादा दे, फ्रूट खाना, ये खाना, सब कुछ ओनू की कहता, जेहे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे। बड़े सोहने बैड ते सोने आ, ओनू की कहता जेहे प्रसाद सुख सेज सुईजा। दसो बाणी नहीं किथे बोलदी, बाणी किथे नहीं बोलदी दसो? साध संगत बड़े सूट बूट पाने आ, मन मर्जी दे पहरावे पहनदे आ, रीतां रवाजां नाल पहनदे आ। गुरबाणी कहिंदी जेहे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे, पाट पटंबर हंडावे, फैशना नाल चलदे आपां, पर किरपा किहदी आ? किरपा किहदी है? बड़े परफ्यूम पा पा के निकलदे आ, ते बाणी कहिंदी जे प्रसाद सुगंधित तन लावे, दसो किहदी किरपा नाल आ रहे हैं? कोई चीज नहीं होगी जिहड़ी बाणी तो बाहर होवे। वखरी गल असीं भुल्ले आ, कपड़ा पाउण लगे धन्नवाद नहीं करदे, परफ्यूम पाउण लगे धन्नवाद नहीं करदे, बैड ते पैण लगे उहदा धन्नवाद नहीं करदे, छत्ती प्रकार दा भोजन खाण लगे उहदा धन्न, सानू भुल्लिया। जदों हर थां याद रखांगे ना, इहनू कहा घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसवा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चे आ जिस घर विच रब नहीं, रब दा नाम नहीं, भगवान रामचंद्र जी नूं देख लैणा, कृष्ण भगवान जी नूं देख लैणा। जदों भगवान रामचंद्र जी आउंदे भिलणी सबरी दे घर, उत्थे तां बड़े बड़े महल सी रिशियां मुनियां दे, ओह कहिंदे राम जी तां आउणगे आउणगे जी, हर हाल तां आउणगे, इत्थे आउणगे इत्थे आउणगे, पर जिथे उहदा नाम है उत्थे आऊगा ओह। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओह राम जी जे आउंदे वी है, मैं शॉर्टकट गल करदा, जदों भगवान रामचंद्र जी आउंदे पहलां पुछदे आ बाहरों, घर नूं आश्रम कहिंदे ने उहनां दी बोली,
ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸਕਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਭੇਲਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸਕਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੰਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਮਿਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਹਾਜ਼ਰ ਰੂਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰੂਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਤੀ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ CID ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਸੁੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਾੜ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਐਸ਼ਨ ਫੈਸ਼ਨ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਹੈ
कभी किसी ने राम नहीं कहा, कभी किसी ने अल्लाह नहीं कहा, कभी किसी ने वाहिगुरु नहीं कहा। फिर उत्थे आउंदे ने जहरीले साध संगत अवस्था से आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा, बीमारियां माड़ियां तो माड़ियां। फिर ये जेड़े दोष है उत्थे आके डेरा अपना ला लेंदे। जदों बाणी दी अंदर होवे आवाज, कलेश घर विच आ जाए दरवाजे तो मुड़ के मुड़ जूगा भी अंदरों बाणी दी आवाज आ रही। मुसीबत आवे बाहरों ही मुड़ जाएगी कि अंदरों बाणी दी आवाज आ रही है। भगवान रामचंद्र जी ने जदों कहा एक आश्रम किसका है, कहन लगे जे तो मेरे राम का है। ते हुण कहा तां संगियां साथियां चेलियां ने पुछिया ना, ते राम जी बोले एहो ही साडा घर है। जिथे साडा नाम है ओही साडा घर है। कृष्ण भगवान जी महाराज की भी एहो ही गाथा है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब च लिखी है। हुण कौरव कहिंदे साडे कोल आउंदे खां तुसीं, देख किदां दे वधिया खाणे तुहानूं दिंदे, बैड बिस्तरे की लिया तुसीं बिदर दे घर जाके। कबीर साहब ने उह शब्द गुरबाणी च लिख दिता, ते जवाब की दिता सी कृष्ण भगवान ने, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो। मैं इदां दा उहदा प्यार देखिया, ओ गरीब मोहे पावे। मैं पूरी विचार करदा ते टाइम इत्थे ही हो जाणा। इत्थे तक कहता सी खीर समान साग मैं पाया, ये किया कि कृष्ण भगवान जी ने कहा। फिर देख लो कि घर बड़े बड़े घर छड़ के दुर्योधन वर्गियां दे ते किहदे बिदर दे गए। साग विच लूण भी है नहीं गा, तो वह कहिंदे मैनू खीर का स्वाद आया। ये प्रेम का स्वाद सी, ना लूण का ना मिठे का स्वाद सी। खीर का स्वाद कहदा सी, प्रेम का, प्यार का। प्यार बहुत बड़ी बड़मुली चीज है जे हिरदे च होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबे नानक कोल आ जाओ, साढ़े पांच सौ साले दियां लखां वारी तुहानू वधाइयां। ते सारे ही जानदे हो भाई लालो दी सुक्की कोधरे दी रोटी खा के बड़े खुश हो रहे ने। बड़ी स्वाद है, बड़ी स्वाद है, बड़ी स्वाद है। ते मलक भागो दे माल पूड़े कहिंदे जहर है असी नहीं खाणा, जहर है असी नहीं खाणा। उन्हां कच्चियां कोठियां च जाके बाबा नानक बैठे आ, कहिंदे ओए गल सुनो, असी कोठे ना किसी दे कच्चे देखे ना पक्के देखे, असी मन कच्चा भी देखिया ते पक्का भी देखिया। मन पक्के दे नाल साडी सांझ है, कच्चे मना नाल साडी कोई सांझ नहीं है। हुण ख्याल करना, मैं किन्ने प्रमाणता दे ते होर लै लो। साध संगत गुरु तेग बहादुर साहब दी नगरी दिल्ली, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी गए सी ढाके, असाम ढाका ढाके गए ने। ते बड़ा प्रचार प्रसार किया इहो ही भी घरां च नाम जपो, रब उस घर च हाजरी भरदा हुंदा जिथे रब दा नाम होवे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए भाव के किसे रूप च होवे अपने अपने धर्म दे मुताबक। उत्थे की होया कि गुरु साहब प्रचार करके प्रसार करके पटना साहब आ गए। पटना साहब तो बाद आनंदपुर साहब बन गया। हुण साध संगत ख्याल करियो, इधर भाई बलाकी दास नाम आउंदा इतिहास विच, उहने फिर घर बनाया। जपना तो उदों ही शुरू करता गुरु तेग बहादुर साहब जी दी जदों संगत मिली। घर बनाउणा, घर बनाउणा, गुरु दा कमरा बनाउणा, गुरु दा कमरा बनाउणा। समां लंघदा जांदा बना लिया। बना के इच्छा की रखी, पहला गुरु साहब जी चरण पाउण, गुरु साहब आउण तां फिर मैं अपना बसेरा करांगा। हुण साध संगत किथे ढाका ते किथे आनंदपुर साहब, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कोई दिन नेड़े है, पैदल जाण नूं 6 महीने है। पैदल जाणू रस्ते इदां दे आ पहाड़ दे। ते साध संगत ओह हुण बरागी होया बलाकी दास ते उहदी माता, बड़ा ही शब्द पढ़दे ने। केड़ा शब्द पढ़दे? दर्शनां वाले।
में मेरा मन लोचे गुरदर्शन लाई तू चो सज्जन मेंडिया डेई सी सुतार नैन महिंजे तरस दे ए दर्शना वाले शब्द पढ़ी जांदे बाबा जी आजो ना को टेलीफोन सी उदो ना कोई बहुता आउण जाण दा साधन सी है ही नहीं सी घोड़े हाथी साधन सीगे किदां सुनेहा पहुंचे गुरु नूं किदां मैसेज पहुंचे किदां ओह आउण आउण नूं टाइम किन्ना जाण नूं टाइम किन्ना लोकां ने ना मखौल करने कहन लगे दसो तुसी गुरु नूं सद्दा भेजिया कोई तुसी कोई बुलाउण भेजिया किदां आ जाणगे गुरु साहिब की हो गया तुहानूं समान रखो अपने अंदर उदां ही मथा टेक लिया करो ओह कहिंदे नहीं पहलां गुरु दे चरण पवाने छे महीने लंघ गए इन्नी वेट नहीं कोई कर सकदा अज दा समां मैं कह रहा गुरु दी वेट करनी पै जाए ना इन्नी ते इन्ना पक्का मन अज दे समें च आउण कई घर बणाउंदे आ ते दीवान लवाने होण ते ओ जी ला दो फिर मैं कहा जी महीना क रुकना पैना कहिंदे नहीं जी फिर असीं तां समान रखणा रख लो भाई कौन वेट करदा कौन इंतजार करदा इंतजार वर्गी भगती नहीं है बहुत बड़ी भगती है इंतजार बोलो इंतजार जिन्ना चिर इंतजार करोगे ना मन विशियारू रहा ते इंतजार दा मतलब अखां विशियां रहणगियां रहां ते जदों आ गई मिलाप हो गया ते अखां विछणियां बंद हो गईयां ते राह दे उत्ते आसां जिहड़ियां विछाईयां कट्ठियां हो गईयां ये जिहड़ी भगती है ना इंतजार बहुत वड्डी भगती है पर इंतजार अज दे समें च नहीं हुंदा हुंदा नहीं हुंदा नहीं प्यारिओ बाबा नानक भी लम्मी डेट दे देवे ना किते भई तू दस साल नाम जप फिर मैं आवांगा कहिंदे सी इन्ना टाइम साडे को किथे आ भई इन्ना टाइम साडे को किथे जी आउणा दा ही तां बुला रहे अज आओ दस दिन डीक लांगे बड़ा औखा है इंतजार वह भी गुरु दे प्रति रब दे प्रति वाहिगुरु दे प्रति राम दे प्रति तां जिहने कीती सी इंतजार ना उहदी इह देख लो भी फिर है ना जूठे बेर खवाए कि नहीं उहने खाधे कि नहीं भगवान ने खुश हो के खाधे खुश हो के ख्याल करियो उहनां बारे इत्थों तक शरदा की गल है कि जिहड़ी गली उहदे घर नूं आउंदी सी ना उह गली केसां नाल सिर दे वालां नाल साफ करदी सी भई मेरे राम ने लंघना इत्थों ये शरदा सी ये भावना सी पहलां तुसीं बिस्तरा बिछा लो वाहिगुरु दे बैठण वास्ते तां फिर एक ना एक दिन जरूर आके बैठूगा हुण बिस्तरा ही नहीं बिछा कोई नहीं जदों आउणगे किते बिछा लांगे की पता आउणा के ते फिर अद्धा कदा काम पहलां ही डिग पिया तेरा आउणा की है भाई बलाकी दास करे इंतजार इन्ने कीती इतिहास कहिंदा छे महीने भाई की ट्रोली गुरु हरगोबिंद साहिब दा साढ़ू सी साईं दास साढ़ू सी छेवें पातशाह दा इन्ना शरदालु सी इन्ना शरदालु सी उहने घर बनाया कहिंदा जी तुसीं आउंगे चरण पाउंगे तां मैं अंदर समान रखणा तां मैं नहीं रखणा उहनूं 2.5 साल वेट करनी पई सी कच्चियां च रिहा लिप लिप के रिहा ढेंदे रहे लोकी कहने पागल हो गया बनाया कादे वास्ते जी अंदर जाना नहीं सी 2.5 साल इंतजार बाद गुरु हरगोबिंद साहिब उहदियां पुकारां ते गए नाले रिश्तेदारी सी साढ़ू नहीं तां रिश्तेदारां नूं रिश्तेदारां दा अजकल मंदा ही कोई नहीं साध संगत ख्याल करियो गुरु हरगोबिंद साहिब ने अंदर वड़दियां पुछिया साई दास इह किहदा घर है परख देखो ये घर किहदा है कहिंदा जी गुरु जी दा कहिंदे अजे भी सोच लै किहदा घर है कहिंदे गुरु का कहिंदे अजे भी सोच लै कहिंदे किहदा घर है गुरु दा तीजी वारी गल होई कहिंदे चंगा अज तो गुरु दा ही इन्ना सोहना गुरुद्वारा साहिब उत्थे बणिया मैं दर्शन कीते बन गया कि नहीं गुरु दा घर हुण ये देखो भई जे गुरु दा घर बनाता तां की गुरु ने उहनूं अगे घर नहीं दित्ता होऊ आपे बीज आपे खाओ अपने वास्ते जे गुरु नूं घर दित्ता तां फिर गुरु ने उहनूं नहीं घर दित्ता अपने चरणां च
आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पैसे दे बदले पैसा मिलता, रुमाले बदले पत्त ढक्कनी मिलती आ, अनाज बदले अनाज मिलता, भांडे सेवा करो गुरुद्वारे भांडे मिलते ने, बिस्तरे करो बिस्तरे मिलते ने, तो फिर घर दे होते ओ घर मिलला, निज घर महल पावो सुख सहजे बोहर ना होएगो तेरा, तेरा ओ घर मिलता है, ओ घर मिलता फिर 84 लाख जूनां दियां भटकणा नहीं मिलदियां, फिर निज घर महल मिलता, निज घर साध संगत जेड़ी मुक्ति वास्ते पुठे लटक लटक के जप तप करदे ऋषि ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਘੋੜੇ ਫਟਾਫਟ, ਘੋੜੇ ਸਜਾ ਤੇ 5 ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਗੂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੁੜੋਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਢਾਕੇ ਚੱਲੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਓ ਕਦੋਂ, ਆਓਗੇ ਕਦੋਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1/2 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਗਈ ਨਾ ਘਰ, ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ 6 ਪਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨੇਡਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਢਾਕੇ ਮਾਈ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਆਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੰਝੂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਗਿਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
वरना दुनिया रोंदी तो जरूर है पर वस्तुआं करके धियां पुत्रां करके गुरु दे अगे जा जाके रोंदे ने। इस रोने की कीमत जेदी खातर तू रो रहा माया खातर रो रहा एदी कीमत माया ही मोड़ूगी। धी की खातर रो रहा धी मोड़ेगी, पुत की खातर रो रहा पुत मोड़ेगा, पर किते गुरु की खातर गुरु नूं मिलन की खातर हंजू सुट फिर गुरु मिलेगा। आखो सतनाम श्री अवस्था विच अज लभदा नहीं कोई जेदे अंदर दी अवस्था होवे मन बैराग पया दर्शन देखने का चाओ। ओ माता भाई बलाकी दास दी मां उची उची गावे अखां बंद है उन्हूं पता ही नहीं घोड़े मेरे कोल आके खड़ गए। सतगुरु उतरे सिख नाल दे उतरे माई दा गोडा मड़ जा हलाया जिन्हों तू याद कर दी तो तेरे मोहरे खड़े ने। अखां खुलियां रौला पाया भाई बलाकी दस दौड़ा आया जिहड़ा अंदर आसन लाया सी सतगुरु जी सीधा जाके आसन ते बह गए। रौला सारे पासे पिया जो जो कम करदे सी श्रद्धालु घरां वाले उत्थे ही छड के सब आ गए। रौनकां लग गईआं। अज की होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उत्थे फिर शब्द की आवाज आहा हुण गली च बैठे आपां पर शब्द ने तां गली की भी सजावट बना छड्डी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाणी ने ना गली नूं भी सजा के रख दिता। बाणी है ना आ कितनी सजावट लाई इन्हां ने बाणी करके लाई ना किन्नी सोहनी गली बना छड्डी है। मुर्दे दे गल विच भी हार पा दो ते ओ भी चंगा लगण लग पैंदा है। साध संगत ए है नाम दा हार सेवा दा हार गुरु दी महिमा दा हार गुरु दी सिफत सलाह दा हार। जे विद्वान कोल मैं जावां ते पुछ के तुहानू दसां ते उहने तां इह कह दित्ता कि जेहड़ी बाणी दी आवाज कंधां नाल लगदी कंधां वी पवित्र हो जांदी है। कंधा भी वातावरण भी शुद्ध पवित्र हो जांदा है। बाणी है ये वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड जिहदे बराबर कोई होर है नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। संगतां उत्थे हड़ आ गया भाई दास दे घर विच हड़ आ गया। परिवार भुब्बा मार मार के बराग भी करे ते नाले मंदरां नूं जी भाग लग गए मंदरां नूं भाग लग गए मंदरां नूं जी भाग लग गए मंदरां नूं जी भाग लग गए गल ही गुरु तेग बहादुर साहब की है ते गुरु तेग बहादुर साहब जी का महान दरबार शीशगंज साहब दिल्ली ओ गुरु तेग बहादुर साहब के सेवक वजीर ग्रंथी रागी तुहाडे साडे घर आ जाण तां सानू चा चढ़ जांदा है। हाले कि वह गुरु तेग बहादुर साहब नूं जपण वाले आ ओह गुरु तेग बहादुर साहब नूं ते किन्ने प्यारे लगदे आ तां जे ओनू जपण वाले इन्ने प्यारे लगदे ते ओह किन्ना प्यारा होवेगा।
कोई हद है ओनू सामने लियाओ फिर पता लगता हा। ते साध संगत ओ समा आवाजा मार मार के साध संगत आवाजा मार मार के सतगुरु मेरे आए सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे आए सतगुरु मेरे आए सतगुरु मेरे आए ने सतगुरु मेरे आए सतगुरु मेरे आए ने सतगुरु मेरे भाग लगे मंदरानू जी भाग लग गए मंदरानू भाग लग गए शब्दी गल शब्द का कीर्तन गुरु दे बचन एक दिन संगत ने आनंद माणिया दो दिन माणिया ध्यान दियो समाप्ति कर रहे हैं पांच मिनटां च ते साध संगत हुण सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे माता बड़ी याद करदी सी बड़ियां आवाजां छे महीने मारदी सी मारियां रात भी दिन भी अवस्था पता केड़ी बनी सी मोहे रैण ना विहावे नींद ना आवे साध संगत ए वस्ता एवें नहीं बनती जिधर दूजे पासे बोला मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई अगली लाइन पढ़ो बिलप करे बिलप नू असी बिलकना भी कहने बिलप करे अच्छा जी किन्ना के बिलक दे हो कोई मसाल है कहिंदे चातरक की ने आई पानी दी बूंद नू पपीहा तड़फदा दिन रात कूका मारदा कहिंदे मैं भी ओहदे वांग ही आ चातरक की न्याई मैं तेनू मिलन नू तड़फ रही हां दूजे पासे तड़फना जिहड़ी ओह खिच भी लैंदी आ फिर ऐसी कोई गल नहीं ओह देखदा भी किहड़ा मेरी खातर तड़फ रहा है ते साध संगत फिर ओह खिच लैंदी आ तड़फ खिच लैंदी आ ओहदे बारे बाणी च लिखिया है साध संगत केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कूकने ऐदा दा पहला मन बनाउणा ओ कदी तां सुणेगा ही मैं तां आवाजां मारदा ही रहना है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कदी तां सुणेगा ही ऐदा दा मन जे कहो भी लै ओ कड़ा सुणदा छड्डो परे हुण एवें पाठ करी जांदे आ ओह तां दिसदा ही नहीं मेरे वल सुणदे नहीं ऐदा नहीं गल मैं कहना जिस सिख दे अंदरों इंतजार मुक गई सिख ही है नहीं ये तो जन्मां जन्मांतरां दी दादिया तेरी मर्जी है ऐस जन्म च मिला लै अगले च मिला लै जदों मर्जी मिला ली अहीं तां याद तैनू करदे ही रहना फिर वह छेती दौड़द आखो सतनाम श्री वाहेगुरु बच्चा हठ कर लेना इदा का प्यार दा ते मां सौ बारी कही जे नहीं चुप कर जा मैं नहीं एक चीज लैके देनी ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੀ 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 ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਆਊ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੀ ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 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 ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀ ਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹ ਐਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੀ ਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ
पर बाबा नानक तो इन्ना ही दयालु माँ है, इन्नी कृपालू माँ है, तुसी ओदे प्यार च किते बराग करके देखो ना ठाई आउंदा है। चरण सरन गुरु एक पेंडा, सतगुरु कोट पेंडा, वो तो इदां दी माँ है, वो बहुत तरस कर दी है। हुण मैं बेनती करा बलाकी दास मां ओदी मां नूं भी पुछिया, गुरु साहब ने बड़ा सोहना घर बनाया, बड़ा वधिया बनाया, बड़ा चंगा बनाया, भई तुहानूं घर दीआं वधाईआं, किहदा घर है? हुण इत्थे परख पै गई। कहण लगे जी इह तां गुरु दा घर है, गुरु ने दित्ता, गुरु दा घर है। कहण लगे अजे सोचो, अजे सोचो, कहिंदे चंगा भाई इह किसे दिन गुरु दा ही होवेगा। अज उत्थे गुरद्वारा साहब बणिआ, अज उही घर पूरा गुरु घर है, गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। दो दिनों बाद सतगुरु जी कहिंदे छुट्टी मंगदे ने अपने सेवकां नूं, कहण लगे चंगा माई हुण असीं जाइए। कहण लगी किथे जाणा तुसीं, किवें जाणा? कहण लगे भी तुहाडा प्रेम गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे जो मंगणा मंग लो, मंग लो। हुण असीं पिछे होर संगत नूं भी मिलणा, आनंदपुर साहब भी डीकदे ने, ते साध संगत जदों कहा ना जो मंगना मंग लो, कहिंदी हुण तुसीं पुराणी पढ़ाई पढ़ूई तां है नहीं सी, अंदर साफ हुंदे सी। बड़ियां साखियां इदां दीआं आउंदियां, एक बार माई चल गई गुरु हरगोबिंद साहब दे अगे, ओ पासा पटता, तुम पापी हम बख्शण हार, तुम पापी हम बख्शण हार, तुम पापी, सिखां ने फड़ लिया, माई तेरा दिमाग खराब है। गुरु साहब कहिंदे इहनूं कुछ नहीं कहना, इहदा बाहरों टेढ़ा है अंदरों सिद्धा है। जे बाहरों भुल चुक बोल दे पी खरे हर पाणे, मार उहनां नूं पैंदी जिहड़े अंदरों टेढ़े आ, बाहरों जिन्ने मर्जी सिद्धे होण, अंदर ना किते टेढ़ा हो जाए। गुरु दी प्रतीक चतराई ना हो जाए, चलाकी ना हो जाए, कहना कुछ होर ते करना कुछ होर। होर कहिंदे माई अंदरों साफ है, अंदरों सही बोलदी आ, ये तो जबान ही सिर्फ इहदी बदली होई है, इहनूं कुछ नहीं कहना। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने घोड़े तो उतर के उहनां नूं मत्था टेकिया सी, बजुर्ग है, मेरी मां दे बराबर है। सो साध संगत गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे माता मंगो, आ क्या मंगना हुण तुसीं आ तां गए आ, नहीं नहीं मंगो मंगो मंगो, कहा ना बार, अच्छा फिर इदां करो, लै देखो की मंगिया, जिदां हुण आया रोज ही आ जाया करो, हुण की करना दसो। सतगुर कहिंदे माई आ की मंग लिया, भई मैं हुण इत्थे रहूंगा, पिछे होर भी संगतां ड्यूटियां बाबे नानक दियां निभाउणियां। हुण गुरु साहब बचना तो मुकर भी नहीं सकते, जे गुरु ही मुकर गया तो फिर सथे खड़ा कौन होएगा बचना ते। महाराज ने ना एक मुसफर बुला लिया फोटो बनाउण वाला, ते गुरु साहब जी दी फोटो बनाई उहने, पर फेस नहीं उहदे कोल बणिया, फेस नहीं बणिया, ते उह कहिंदे इह बणा पूरी कर। कहिंदा महाराज मेरी कलम दे विच ताकत नहीं आ, जिन्ना नूर तुहाडे चेहरे ते आ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜੀ ਫੋਟੋ ਗੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਆਪ ਭਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਭਗਤੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇਂਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ।
ख्याल करियो ते साध संगत जिन्ना चर रही माई जीवंदी बिल्कुल फोटो इदां ही दर्शन दिंदी जिन्ना क्योंकि वैदा ही माई नाल सी आखो सतना श्री वाहिगुरु अज फोटो ते भी किंतु परंतु बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा पर मैं ये बेनती करता हूं ना जरूर इत्थे रिसर्च करिया खोपरी दी दिमाग सब दा अलग अलग है घर विच माता दी मां दी फोटो पई होवे तो चो मां नहीं दिसदी घर च प्यो दी फोटो पई आ उहदे चो प्यो नहीं दिसदा भैण दी फोटो पई आ उहदे चो भैण नहीं दिसदी रिश्तेदारियां दी फोटो पई उहदे चो रिश्तेदार तुहानू सारे दिसदे आ ते अज गुरु दी फोटो चो तुहानू गुरु नहीं दिसदा ये ठीक है असी पुजारी नहीं है कागज दे गुरु दे फोटो दे असी पुजारी गुरु ग्रंथ साहब दे जां पूजा काल की परचा शब्द दा पर भंडी ना करो जे मनना नहीं है भंडी ना करो अज गुरु नानक दी फोटो नु रद्द कीता जा रहा है कोई गल नहीं तुहाडे वास्ते गलत है जेदा मन मन गया सही है उन्हें सही बन के मोहरे आके खड़ जाना गल तो मन मन्ने दी है ना धन्ने दे अगे केड़ी फोटो सी जिन्होंने प्रगट कर लिया कबीर दे अगे केड़ी फोटो सी जिन्होंने प्रगट कर लिया दर्शन कर ले नामदेव दे अगे दसो केड़ी फोटो सी उन्हें तो प्रगट हो ही जाना प्रगट भावना ने करना है तुहाडी शरदा ने करना है ते साध संगत जी भंडी ना करो उन्हूं रद्द ना करो मेरी बेनती है चलो जे मन लांगे ते सही हो जाना जे सही मन लांगे सही हो जाना ठीक है शब्द ही सब कुछ है गुर की मूरत मन में ध्यान गुर का शब्द ऐ शबर शब्द इन्ना पावरफुल है ना तुसी जिद्दां दी इच्छा रख के शब्द ना जुड़ोगे ना उन्हें उद्दां दा ही बन के तुहाडे मूहरे खड़ जाना ये शब्द है ये शब्द है याद रखियो जदों आनंदपुर साहब तख्त ते जाने ते पौड़ियां चढ़ के जाना पैंदा है पौड़ियां ते बैठा एक सिख रोवे बाजां वालिया मैं आनंदपुर साहब आया दर्शन तां दे दो कदां दर्शन होणगे किदां हो सकदे किदां हो सकदे वह पौड़ियां ते बह के रोवे ते जथेदार उदों बदंती साहब सी इह आ गए उत्थे ते कहण वी उह चुप कर जा हुण नहीं गुरु गोबिंद सिंह आउणे है बिल्डिंग देखो नहीं आने का तो मतलब कभी जबान ते बल्ड आना ही नहीं चाहिए वह गए कितने पहला यह दस दो कहते शब्द ही शब्द वह जुड़िया 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 आह अमृत वेला आया तो उन्होंने दर्शन हो गए गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन हो गए हुण जिथे जिथे स्थान है महाराज आउंदे ने हाजरियां भरदे ने कड़ी गल है ये भी बचन सतगुरां ने हजूर साहब किया मैं हुण समां ना वधावां घर वो है जिथे परमेश्वर दा गुरु ने तो कहा सी घर घर अंदर धर्मशाल होवे गुरमुख बंदे ने नाम ना जुड़े बंदे ने बंदगी ना जुड़े बंदे ने रब दे भरोसे वाले बंदे ने रब अपने घर विच भी रब रब कर करके ना उन्हूं गुरद्वारा बनाता धर्मशाल बनाती घर घर अंदर उन्हूं धर्मसार बनाती उन्हें धर्म की घर दे विच विचार कर करके अंदर शुद्ध विचार कर करके उन्हें घर नूं भी कह लो गुरुद्वारा बनाता तो हमें हंकार वाले ने गुरुद्वारे नूं भी अपना घर बनाता बस मैं प्रधान हाँ मेरी मर्जी ना होगा हमें वाले ने हंकार वाले ने ईरखा वाले ने गुरुद्वारे नूं भी अपनी प्रॉपर्टी बना लिया मेरी मर्जी चलूगी बस हमें आ गई इत्थे ओ बहुत लोकां ने गुरुद्वारा भी अपना घर बना लिया ते बहुत लोकां ने अपना घर भी बस इहनू समझ लेना मन मंदिर तन वेश कलंदर इहनू गुरुद्वारा बनाओ शरीर नूं शरीर दे अंदर शब्द दी आवाज है ते गुरुद्वारा है घर दे विच आवाज है ते घर गुरुद्वारा ते जे गुरुद्वारे च होमे होवे फिर गुरुद्वारा नहीं रह गया
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਓਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰ। ਭਾਗੇ ਚਮਤ ਮਾਝੇ ਕਲਾਈ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਝਨ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਇਓ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ। 11 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭੇਜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਘਰ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबतना भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।